ये तस्वीर है दादरी की, पुराना बस स्टैंड रोड के पास स्थित एक खाद बिल भंडार की। यहाँ सीएम प्लाइंग की टीम गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान आसपास के पेस्टिसाइड स्टोर्स पर हड़कंप मच गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए स्टोर का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर जांच की तो स्टोर से प्रतिबंधित और एक्सपायरी दवाइयां बरामद हुई। टीम ने मौके से दवाइयों के सैंपल भरे। कृषि अधिकारी ने बताया कि फिलहाल जांच में जो भी सामने आएगा उसके आधार पर स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूचना के आधार पर मित्तल एग्रीकल्चर स्टोर के ऊपर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ आज जो है ना औचक निरीक्षण किया गया। उसमें पाया गया कि यहाँ के जो दवा थी, जो फोरेट दवा है, इसको किसान भाई डिमक के लिए जो रेतल इलाका वहाँ डिमक के लिए प्रयोग में लाते हैं। उसके अलावा एक मिला है हमने क्लोरोपाइरीफॉस की एक्सपायरी डेट की है। उसके अलावा उद्यान विभाग के जो फूल और सब्जियों के बीज हैं वो भी बगैर किसी कंपनी के, बगैर किसी उसके मिले हैं। तो क्या है जी, फॉरेट बता दीजिए ना, प्रतिबंधित दवाई है तो हो गया वो। किस तरह की कार्रवाई है बात सर? उसको सैंपल के लिए हम भेज रहे हैं और इसको उचित कार्रवाई जो भी होगा, इसका सेक्शन जो भी लगेगा पेस्टिसाइड एक्ट वो लगा के और इसको पुलिस कार्रवाई होगी। पुलिस दो पैकेट हमने मिले थे, 10 किलो 11 किलो अलग फॉरेट मिले थे, हमने उसका सैंपल लिया। सवाल उठता है कि आखिर क्यों लाइसेंस लेने के बावजूद पेस्टिसाइड स्टोर संचालक प्रतिबंधित दवाइयां बेचने का रिस्क उठाते हैं? आखिर क्यों स्टोर संचालक की अब तक एक्सपायरी दवाइयां संभाल कर रखी हुई थी? फिलहाल देखना होगा कृषि विभाग द्वारा की जा रही जांच में क्या निकल कर सामने आएगा। दादरी से विजय कुमार, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।